साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लोकसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं भाजपा भी राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार में लगी हुई है। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका ईडी की ओर से लगा है। दरअसल ईडी ने कांग्रेस से जुड़े नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर और इससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ईडी ने मंगलवार को करीब 752 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्ति और शेयर जब्त किए हैं। इसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी की ओर से भाजपा को अपने निशाने पर लिया गया। साथ ही कांग्रेस का इस पूरे मामले पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले हार से ध्यान भटकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया है। ईडी को कांग्रेस ने भाजपा का गठबंधन साझेदार बताया। आपको बता दे चले कि ईडी ने एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड यानी कि AGL और यंग इंडिया की तकरीबन 751.9 करोड़ की संपत्ति जब्त की है, जबकि AGL की संपत्ति की कुल कीमत 661.69 करोड़ रुपए है। ईडी ने ये कार्रवाई दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में की है और बताया जा रहा है कि यंग इंडिया की संपत्ति की कुल कीमत 90.21 करोड़ है। इस मामले में ईडी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी पूछताछ कर चुकी है। ईडी की ओर से की गई इस कार्रवाई का असर यूपी की राजधानी लखनऊ तक में दिखाई दिया। ईडी ने जिन कंपनियों को जब्त किया है उसमें लखनऊ के मॉल एवेन्यू में नेहरू भवन भी शामिल है। इसके अलावा ईडी ने कैसरबाग में भी AGL की संपत्तियों का जिक्र किया है और कैसरबाग में स्थित जमीन के एक हिस्से में इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर संचालित होता है। अब जग जाहिर है कि साल 2014 में ईडी ने दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर AGL और यंग इंडिया के खिलाफ PMLA के तहत जांच शुरू की थी। जांच के दौरान ये पाया गया कि इस मामले से जुड़े आरोपियों ने मेसर्स यंग इंडिया के जरिए AGL की कई 100 करोड़ रुपए की संपत्ति हासिल करने के लिए आपराधिक साजिश को अंजाम दिया। फिलहाल देखा जाए तो पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच ईडी की ये कार्रवाई कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। इससे पहले भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ईडी के सवालों का सामना करना पड़ चुका है, जिसको लेकर कई सारे कांग्रेस नेता भाजपा पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए बीजेपी ईडी CBI जैसी संस्थानों का इस्तेमाल करती रही है। और अब जब राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में ईडी की ये कार्रवाई भाजपा की मंशा को जाहिर करती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ईडी की कार्रवाई का कांग्रेस पार्टी पर क्या असर पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम TV।